एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने आजकल ये फ्लावर जैसे मशरूम्स मार्केट में देखे हैं? इनको ऑयस्टर मशरूम्स कहते हैं। मैं आज आपको इनको प्रिपेयर करने का तरीका और इनके कुछ डिशेस के आइडिया देती हूँ। ऑयस्टर मशरूम्स देखने में बिल्कुल फ्लावर जैसे होते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े पेटल्स होते हैं और अंदर से बिल्कुल फेदरी होते हैं। इनकी जो स्टॉक होती है ये थोड़ी टफ होती है। देखिए, जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये कितना जोर लगाना पड़ता है, इसलिए इन स्टॉक को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। अब ऑयस्टर मशरूम्स के पतले पतले टुकड़े फाड़ लेते हैं। इसको लिटरली फाड़ नहीं कहते हैं, आप इसके पतले पतले टुकड़े कर लीजिए और इनको रखते चले जाइए। जो ऑयस्टर मशरूम्स होते हैं, जब वो फ्रेश रहते हैं तो बिल्कुल वाइट और अंदर से फेदरी होते हैं। न्यूट्रिशन में तो मशरूम्स फेमस हैं ही, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। ऑयस्टर मशरूम्स प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होता है। आप इनको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम्स के हर लीफलेट को आप तोड़ लीजिए और उसके पतले पतले टुकड़े बना लीजिए। इनको ऐसे ही तैयार कर हम एक जिप लॉक बैग में रेफ्रिजरेटर में 3 दिन तक रख सकते हैं। याद रखिए, आपको इसके स्टॉक्स को बिल्कुल यूज नहीं करना। वो बिल्कुल रबरी होती हैं, उनको पकने में बहुत समय लगता है और वो बिल्कुल हार्ड रह जाती हैं। ऑयस्टर मशरूम्स को हम बहुत सारी वीगन डिशेज में भी यूज करते हैं। सबसे आसान है इनको स्टर फ्राई करना। थोड़ा सा सोया सॉस और अदरक डालें और इन्हें स्टर फ्राई कर लीजिए। आप इनको पिज्जा में रेगुलर टॉपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम से आप मशरूम राइस या इनको नूडल्स में भी डाल सकते हैं। इन ऑयस्टर मशरूम्स को एक बोल में ले लेते हैं और इन्हें धो लेते हैं। धोने के बाद आप इनको अच्छे से निचोड़ लीजिए। इन्हें धोकर पानी निकाल लीजिए और इनको अब अपनी मनपसंद किसी भी डिश में इस्तेमाल कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली बार। Thanks for watching.